हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही डिस्कस किया था, उसकी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करी थी और ये डेफिनेशन उसकी लिखी थी, फॉर्मेट लिखा था मतलब। अब यहां पर एक छोटी सी चीज मैं उसमें बताना भूल गया आपको उस समय कि जैसे W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मेट है। इसमें ए बी सी डी तो कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट होते हैं, साथ में एक कंडीशन होती है कि ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ए डी माइनस बी सी मतलब इसका डिटर्मिनेंट कह सकते हो आप, इन कॉन्स्टेंट्स का डिटर्मिनेंट में यही होता है ए डी माइनस बी सी। तो ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, उसका लॉजिक हमने डिस्कस नहीं किया था, वो मेरे दिमाग से निकल गया उस समय बताना, तो अभी मैं बताता हूं आपको कि ये क्यों नॉट इक्वल जीरो होता है। मान लो एक बार के लिए हम लोग ये लिख लें कि ए डी माइनस बी सी जो है जीरो के इक्वल है, तो क्या होता है उससे, ये एक बार चेक करते हैं। ये हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी। देखो ए अपॉन सी, ये सी मैंने इधर ले लिया, और ये बी अपॉन ये डी इस तरफ आ जाएगा, ये रेशियो बन गया एक तरीके से, ठीक है। मान लो इसको मैं के इक्वल कर देता हूं, तो जब फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी सी के, और जब इसको और इसको इक्वल करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी डी इंटू के। ए और बी की दोनों की वैल्यूज एक बार यहां रख के देखें अपन कि क्या बनता है। ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, रखो जरा, ए की वैल्यू रखनी है बी की रखनी है, दो ही चीजों की वैल्यू है, दोनों रख दीजिए आप यहां पर। ए की वैल्यू है सी के, तो सी के जेड, बी की वैल्यू है डी के, तो रख दी डी के, नीचे सेम टू सेम सी जेड प्लस डी, नीचे कुछ चेंज किया ही नहीं है। अब देखिए यहां पर के कॉमन आ रहा है, अगर यहां पर के कॉमन आ रहा है तो ऊपर सी जेड प्लस डी बन रहा है, नीचे भी सी जेड प्लस डी ही बन रहा है, जो कि कैंसिल आउट होने के बाद जो हमारी मैपिंग है, ये देखो मैपिंग क्या बनी हमारी, के कॉन्स्टेंट, कुछ z में बचा ही नहीं मैपिंग करने को। तो अगर ad माइनस bc को जीरो ले लेते हैं तो इस पूरे w का कुछ सीन रहता ही नहीं है, सिर्फ w इज इक्वल टू k हो जाएगा, वो कांस्टेंट। तो w एक कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब ये बाइलिनियर मैपिंग तो रही नहीं। तो क्या हो गया ये उस केस में, w का मतलब क्या होता है, w का मतलब एक्चुअल में f ऑफ z ही होता है, तो f ऑफ z इज इक्वल टू k, ये मैपिंग आ गई। इस मैपिंग का मतलब है कि आप z की कोई भी वैल्यू रखो यहां पर, k कांस्टेंट ही मिलने वाला है। जैसे आपको याद हो तो एफ एक्स इज इक्वल टू जैसे 5 आ जाता था, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, आप x की वैल्यू कुछ भी रखो यहाँ 5 ही रिजल्ट मिलने वाला है, तो वैसे यहाँ z की कोई भी वैल्यू रखो आप k रिजल्ट मिलने वाला है। मतलब अगर यहां पर आपके पास z प्लेन में इनफाइनाइट वैल्यूज है ना, जितनी भी वैल्यूज हो z प्लेन में, w प्लेन में तो आपको फिक्स k मिलेगा, बस ये सिचुएशन हो गई। तो ये एकदम अजीब सी मैपिंग हो गई, तो हमारे कोई काम की नहीं है, हम चाह रहे हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए AD माइनस BC नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, अदरवाइज वो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हम नॉट इक्वल जीरो लेते हैं इसको। एक छोटा सा लॉजिक और है कि AD माइनस BC नॉट इक्वल जीरो क्यों लेते हैं, वो देखिए आप, अगर इसका डिफरेंशिएशन करें, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये W मतलब F ऑफ Z है एक्चुअल में, और ये AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D है, F डैश Z, जरा इसका निकालें एक बार, आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार आप बस करते जाएं इसको। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ए आ जाएगा ए जेड प्लस बी एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सी आ जाएगा, यू अपॉन वी लगाया है, बहुत बेसिक सा डिफरेंशिएशन है, कुछ समझने वाली बात है नहीं इसमें, 12th क्लास में सीखा है आपने। ये बन जाएगा ए सी जेड प्लस में ए डी माइनस ए सी जेड माइनस में बी सी डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा नोटिस कीजिए आप, कैंसिल आउट हो रहा है, बचेगा क्या फाइनल, AD माइनस BC अपॉन CZ प्लस D होल स्क्वायर, ये हमारा F ऑफ Z आया। यहां थोड़ी सी नोटिस करने वाली बात है कि ऊपर AD माइनस BC आ रहा है, ये सबसे बात है खास ध्यान देने वाली। अगर अगर आपने AD माइनस BC को जीरो ले लिया तो क्या होगा, then f dash z will become zero, और अगर f dash z zero के equal हो गया तो not a conformal mapping,
कन्फॉर्मल मैपिंग की सफिशियंट कंडीशन यही है कि एफ डैश जेड जीरो नहीं होना चाहिए। कन्फॉर्मल मैपिंग में एफ जेड एनालिटिक होता है और साथ में एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इक्वल टू जीरो हो गया तो कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं होगी। तो एक ये सेकेंड लॉजिक है, जो दोनों ही लॉजिक बहुत सिंपल सही है। अब हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है क्रॉस रेशियो, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। देखिए क्रॉस रेशियो क्या होता है। क्रॉस रेशियो इफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्स द पॉइंट्स z1 z2 एंड z3 इन z प्लेन इनटू द पॉइंट्स w1 w2 एंड w3 रेस्पेक्टिवली इन w प्लेन, देन ये जो रेशियो दिख रहा है ना आपको, ये जो इक्वेशन दिख रही है, यही क्रॉस रेशियो होता है। ये कहना चाह रहा है कि जैसे यहां पर मान लो z प्लेन है, यहां एक पॉइंट है z1, ये पॉइंट है z2, यहां पॉइंट है मान लो z3, ये तीन पॉइंट्स w प्लेन में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। मान लो यहां कहीं w1 आ रहा है, यहां कहीं w2 आ रहा है, यहां कहीं w3 आ रहा है, कुछ भी रैंडम कहीं भी हो सकता है मतलब। तो जहां भी तीन पॉइंट्स यहां ट्रांसफॉर्म होके मिले उनमें आपस में ये जो रेशो रहेगा ना, ये जो इक्वेशन बनेगी, इसको क्रॉस रेशो बोलते हैं। ये इक्वेशन आपको दिखने में काफी ज्यादा बड़ी लग सकती है लेकिन याद करने में इतना मुश्किल नहीं है इसको। देखिए किस तरह से याद करना है। ये सिंपल W है, इसको मैं जीरो कंसीडर कर लूं एक बार के लिए, क्योंकि यहाँ 1 लगा है, 2 लगा है, 3 लगा है, यहाँ कुछ नहीं लगा है। तो एक बार के लिए ऐसे ही मन में जीरो आप इसको कंसीडर कर लो। तो देखो क्या है यहाँ पर, ये साइक्लिक है सीधा, 0 1 2 3 यूं चल रहा है सारा काम, 0 1 2 3 0 1 2 3। ऊपर वाली लाइन तो क्लियर, नीचे वाली लाइन देखो, 1 से शुरू होगा, 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0। तो याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसको। तीन पॉइंट्स अगर आपको W1 W2 W3 Z1 Z2 Z3 तीनों पता हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में आप ये क्रॉस रेशियो अप्लाई कर सके, आगे ट्रांसफॉर्मेशन भी पता कर सकते हो। तो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो है, क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं इससे करने के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए बहुत आसान सी अप्रोच है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सबसे पहली बात तो ये है। तो बाइलिनियर अगर ट्रांसफॉर्मेशन है तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मान लो प्रूफ। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में फॉर्मेट होता है W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें एक चीज क्लियर है कि जो Z1 है उसका ट्रांसफॉर्मेशन है W1। क्या लिखा है? Z1, Z2, Z3 के ट्रांसफॉर्मेशन है W1, W2, W3। तो Z2 का ट्रांसफॉर्मेशन है W2 और Z3 का ट्रांसफॉर्मेशन है W3। ये तीनों आप इस इक्वेशन में अप्लाई कर दो और तीन इक्वेशंस बन जाएंगी। कैसे? W की जगह एक बार आ जाएगा W1 और इधर AZ1 प्लस B अपॉन CZ1 प्लस D। एक बार आप लिखोगे W2 इज इक्वल टू AZ2 प्लस B अपॉन CZ2 प्लस D। एक बार ये अप्लाई कर दो, Z की जगह Z3 आ जाएगा, W की जगह W3 आ जाएगा। W3 इज इक्वल टू AZ3 प्लस B अपॉन CZ3 प्लस D। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। ये चार इक्वेशन हमारे पास हैं। इन चारों का यूज करके हम इस रेशियो को प्रूव करने वाले हैं। अभी आसानी से प्रूव कर देंगे। आप पहले एक काम कीजिए, W से ही कंटिन्यू करेंगे अपन, क्योंकि W हमारे पास क्लियर है यहाँ पर, Z तो यहाँ मिक्स हो रहा है काफी ज्यादा। W से ही हम चलेंगे। W माइनस W1 निकाल के रख लो, W2 माइनस W3 निकाल के रख लो अलग से, ये अलग से निकाल के रख लो, ये अलग से निकाल के रख लो। ये चारों चीजें आप पहले अलग से निकाल के रख लो, फिर लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, अपने आप राइट हैंड साइड में मिल जाएगी आपको। मैं स्टार्ट करता हूँ, आप देखो W माइनस W1 से। सबसे पहले हम निकालेंगे W माइनस W1। W ये रहा AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। तो AZ प्लस B डिवाइडेड बाई CZ प्लस D माइनस W1, ये रहा AZ1 प्लस B अपॉन CZ1 प्लस D। अब जरा इसको LCM ले लो आप। LCM लोगे तो ये बनेगा CZ प्लस D और CZ1 प्लस D। ये दोनों LCM में आ गए और ऊपर बचेगा देखिए AZ प्लस B इंटू में ये इस तरफ आ जाएगा। तो CZ1 प्लस D माइनस AZ1 प्लस B और ये है CZ प्लस D। ठीक है,
थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें रिजल्ट मिलेगा। देखिए क्या आता है, ये बनेगा देखिए ए सी जेड जेड वन, पहले इससे इसको इससे करोगे तो ए डी जेड प्लस में बी सी जेड वन और बी डी माइनस में। अब माइनस बाहर है तो इधर जितने भी मल्टीप्लीकेशन होंगे वो सभी नेगेटिव आएंगे क्योंकि माइनस साइन बाहर है। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा ए सी जेड जेड वन ए डी जेड वन बी सी जेड और लास्ट बी डी और डिवाइड में ये दोनों सी जेड प्लस डी इंटू में सी जेड वन प्लस डी। अब यहां पर आप देखोगे कुछ चीजें कट रही हैं, क्या क्या कट रही हैं, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, जो बचा उसमें कुछ कॉमन मिल जाएगा आपको। एक तो देखो इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है और एक इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए किस तरह से कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन लोगे तो AD कॉमन है Z माइनस Z1 बन जाएगा। दूसरे में इसमें और इसमें BC कॉमन है, ये Z1 माइनस Z बन जाएगा। डिवाइड में सी जेड प्लस डी और सी जेड वन प्लस डी, ये एज इट इज चल रहा है। अब एक छोटा सा काम और, यहां पर आप थोड़ा नोटिस करें, इसमें से माइनस कॉमन आ जाए, अगर माइनस कॉमन आ जाए तो ये और ये चीज सेम बन जाएगी एकदम, तो कॉमन लेना और आसान हो जाएगा। तो अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा ए डी जेड माइनस जेड वन माइनस कॉमन बी सी अगेन जेड माइनस जेड वन और डिवाइड में सेम सी जेड प्लस डी और सी जेड वन प्लस डी। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है वो ले लो आप, जेड माइनस जेड वन कॉमन है दोनों में, तो ये बन जाएगा फाइनली जेड माइनस जेड वन और ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी और डिवाइड में सी जेड प्लस डी और सी जेड वन प्लस डी। ये हमारा फाइनल आया और इसको आप इक्वेशन नंबर फाइव दो। अब यहां देखो ध्यान देने वाली थोड़ी बात है, W माइनस W1 किया है तो ये रिजल्ट आया है। सिमिलरली हम बाकी के तीनों के रिजल्ट लिख देंगे, इसके इसके इसके, अदरवाइज बहुत ज्यादा लेंथ हो जाएगा, लेकिन सिमिलरली आप लिख सकते हो आराम से। देखो क्या चेंज है, W माइनस W1 है तो ये Z माइनस Z1 है, अगर यहां W1 माइनस W2 होगा तो ये Z1 माइनस Z2 होगा और अकॉर्डिंगली ये Z है तो ये Z है, ये Z1 है तो ये Z1 है, ये कॉन्स्टेंट है, ये सब जगह सेम रहेगा। क्यों रहेगा ये चीज सेम, ये चीज सेम इसलिए रहेगी क्योंकि सब में सेम कॉन्स्टेंट चल रहे हैं, केवल Z1, Z2, Z3 और Z का फर्क है। इसलिए सिमिलरली मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखिए आप सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि W1 माइनस W2 कितना आएगा, यह आएगा Z1 माइनस Z2 इंटू में ये सेम चीज AD माइनस BC, ये चेंज नहीं होगी, नीचे चेंजेस आएंगे CZ प्लस D की जगह CZ1 प्लस D आ जाएगा और CZ1 प्लस D की जगह 2 वाला आ जाएगा CZ2 प्लस D। सेम पैटर्न है, यहां W माइनस W1 है तो Z और Z1 है, W1 और W2 है तो Z1 Z2 है, सेम फॉर्मेट चल रहा है। तो इक्वेशन ये हो गई इक्वेशन नंबर सिक्स। इसके बाद आप निकालोगे W2 माइनस W3 जो कि बनेगा सेम पैटर्न के हिसाब से Z2 माइनस Z3 इंटू में AD माइनस BC डिवाइडेड बाय CZ2 प्लस D और CZ3 प्लस D, सेम पैटर्न। और लास्ट W3 माइनस W, W3 माइनस W देखिए कितना आएगा, Z3 माइनस Z AD माइनस BC एज इट इज डिवाइडेड बाय CZ1 प्लस D की जगह CZ3 प्लस D और लास्ट CZ प्लस डी। ये हमारी इक्वेशन नंबर सिक्स हो गई। ये हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के उन चारों को रख करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरह से सॉल्व होगा, मैं एक बार ये हटा देता हूं इस तरफ का। देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहां मैं वैल्यूज रख रहा हूं,
तो मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं लेफ्ट हैंड साइड लिख करके, ये सारी वैल्यूज रख रहा हूं, W माइनस W1 ये रही, तो ये वैल्यू आ जाएगी Z माइनस Z1 AD माइनस BC डिवाइडेड बाय CZ प्लस D इंटू CZ1 प्लस D। सेम नेक्स्ट W2 माइनस W3 ये है, तो ये Z2 माइनस Z3 और AD माइनस BC डिवाइडेड बाय CZ2 प्लस D और CZ3 प्लस D, और ये डिवाइड W1 माइनस W2 Z1 माइनस Z2 इंटू में AD माइनस BC डिवाइडेड बाय CZ1 प्लस D CZ2 प्लस D। लास्ट W3 माइनस W ये आएगा Z3 माइनस Z AD माइनस BC डिवाइडेड बाय CZ3 प्लस D इंटू में CZ प्लस D। ये मैंने सारी वैल्यूज रख दी है। अब आप देखिए, अगर आप इसको डिवाइड देते हैं तो ये AD माइनस BC इधर से कैंसिल, ये इधर वाला इधर से कैंसिल। दूसरी बात, ये जो CZ प्लस D है ये यहां से कैंसिल आउट हो रहा है, सी जेड वन प्लस डी यहां से कैंसिल आउट हो रहा है, सी जेड टू प्लस डी यहां से, और ये यहां से कैंसिल आउट हो रहा है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान दें तो सिर्फ और सिर्फ ये ही बचेगा। देखो यहां तो बच रहा है जेड माइनस जेड वन, और इस तरफ बच रहा है सिर्फ जेड टू माइनस जेड थ्री डिवाइडेड बाय, इस तरफ बच रहा है जेड वन माइनस जेड टू, और लास्ट बच रहा है जेड थ्री माइनस जेड, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है, जो कि फाइनल क्रॉस रेशो आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज लिया, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी, माइनस किया, और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखते ही एग्जैक्टली सेम पैटर्न जेड में बन जाता है जो डब्ल्यू में बना हुआ है। इसी को क्रॉस रेशो बोलते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा काम आएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक और यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस करना है, वो है इनवेरिएंट पॉइंट्स और फिक्स्ड पॉइंट्स। मैं स्टार्ट करता हूं। देखो आप देखिए, इनवेरिएंट पॉइंट्स क्या होते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट्स को फिक्स्ड पॉइंट भी बोलते हैं हम लोग। इनवेरिएंट पॉइंट वो होते हैं जिनका ट्रांसफॉर्मेशन भी सेम वही पॉइंट्स आ जाएं जो आपने उसमें रखे हैं। क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट्स विच कोइंसाइड विद देयर ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड फिक्स्ड और इनवेरिएंट पॉइंट्स। मतलब क्या है इसका, देखिए मतलब यह है कि मान लीजिए जेड प्लेन में आपने ये कोई पॉइंट लिया 2,1, ये आपका Z प्लेन में पॉइंट है, और इस पॉइंट का ट्रांसफॉर्मेशन किया आपने W इज इक्वल टू एफ ऑफ Z के साथ में, और जो आपके पास W प्लेन है उसमें रिजल्ट भी सेम 2,1 ही आ गया, तो फिर 2,1 इज इनवेरिएंट पॉइंट। मैं यहां लिख भी देता हूं, है 2,1 इज फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स्ड हो गया कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई भी किया लेकिन रिजल्ट भी अगेन सेम वही पॉइंट आ गया, तो ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, इसको इनवेरिएंट पॉइंट बोल देते हैं हम लोग। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैक्सिमम दो इनवेरिएंट पॉइंट्स हमें मिलते हैं, बाकी दूसरे ट्रांसफॉर्मेशंस में भी इनवेरिएंट पॉइंट्स होते हैं। जरूरी है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ही इनवेरिएंट पॉइंट्स हों, लेकिन हम लोग इसमें ही ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये एक जनरल टॉपिक है, वैसे केवल बाइलिनियर से रिलेटेड नहीं है, जनरल एकदम टॉपिक है। तो एक दो एग्जांपल्स मैं बाइलिनियर के ले लेता हूं यहां पर, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस में वो एग्जांपल्स भी आ जाते हैं एग्जाम में। देखिए किस तरह के होते हैं वो, जैसे मान लो हमारे को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है W इज इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन। हमें बताना है कि इसके इनवेरिएंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। इनवेरिएंट पॉइंट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले तो ये जानो, जो एफ ऑफ जेड होता है मतलब W जो होता है वो अगेन जेड के ही बराबर आ जाता है। ये होती है कंडीशन इनवेरिएंट पॉइंट्स की, ये है कंडीशन एक तरीके से, कि ये जो जेड है वो हमारा इस W के बराबर ही आ गया, Z और W बराबर ही हो गए, तो उसको बोलेंगे हम लोग फिक्स्ड पॉइंट। तो इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन में फिक्स्ड पॉइंट किसको बोलोगे यार? निकालने का मेथड सिंपल है, W की जगह सिंपल Z लिख दो बस, और कुछ नहीं करना। जहां W दिखे या F ऑफ Z दिखे, दोनों ही केसेस में क्या रखोगे आप? Z। तो ये मेथड है इनवेरिएंट पॉइंट निकालने का। देखो क्या आंसर आता है, Z माइनस वन अपॉन Z प्लस वन, क्रॉस करो जरा, Z स्क्वायर प्लस Z इज इक्वल टू Z माइनस वन। इसको ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, Z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, बहुत आसान सा बन गया है। तो
वरना क्वाड्रेटिक बनती है आराम से, आप उसको सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके। फिलहाल तो बहुत आसान हो गया, z इज इक्वल टू प्लस माइनस, इस माइनस वन का अंडर रूट लेना है तो प्लस माइनस आयोटा हो गया। तो दो पॉइंट्स आ गए, मैक्सिमम दो ही आ सकते हैं अगर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो। क्यों? क्योंकि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा यहाँ क्वाड्रेटिक ही बनेगी, क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम दो रूट्स हो सकते हैं, दो से कम भी हो सकते हैं बहुत केसेस में, तो दो से कम मतलब एक भी आता है कभी कभी, लेकिन मैक्सिमम दो आ सकते हैं, ये बात है ध्यान देने वाली यहाँ पर। ऐसे एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे w इज इक्वल टू 3z माइनस 4 अपॉन z माइनस 1। इसके इनवेरिएंट पॉइंट्स चेक करें हम लोग, तो जरा w की जगह आप z लिख दो, z इज इक्वल टू हो जाएगा 3z माइनस 4 अपॉन z माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये z स्क्वायर माइनस z इज इक्वल टू 3z माइनस 4। मैं इस तरफ कर देता हूँ, जगह नहीं है इधर, तो ये z स्क्वायर देखो, ये 3z इधर आएगा तो माइनस का 4z हो जाएगा, और ये माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये होल स्क्वायर बन जाए, जिसके कारण जो दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं वो सेम ही आ जाए, तो दो इनवेरिएंट पॉइंट्स आने की जगह सिर्फ एक ही इनवेरिएंट पॉइंट आए, ऐसा भी पॉसिबल है। बस बात जो ध्यान देने वाली है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैक्सिमम दो इनवेरिएंट पॉइंट्स हो सकते हैं, दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन की यहां बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, पर्टिकुलर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। तो फाइनली हम लोगों ने तीनों टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला तो ये कि AD माइनस BC नॉट इक्वल जीरो क्यों लेते हैं हम लोग, दूसरा क्रॉस रेशियो होता क्या है और उसका प्रूफ क्या है, तीसरा इनवेरिएंट पॉइंट्स या फिक्स पॉइंट्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रॉस रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और उन क्वेश्चंस को विदाउट क्रॉस रेशियो भी करेंगे, ये खास बात है समझने वाली। क्रॉस रेशियो से तो उन क्वेश्चंस को आपने बहुत जगहों पर देखा होगा कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग जो नया सीखने वाले हैं उसमें कि विदाउट क्रॉस रेशियो भी कैसे कर सकते हैं और विद क्रॉस रेशियो कैसे कर सकते हैं, दोनों मेथड्स हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।